आज हम बनाएंगे समा के चावल की बर्फी। हाई फ्लेम पर कढ़ाई रखी है, इसमें 1 टेबलस्पून घी डालेंगे। घी गर्म हो गया है, गैस की फ्लेम मीडियम पर करेंगे। इसमें काजू और बादाम डालकर फ्राई करेंगे। काजू और बादाम फ्राई हो गए हैं, निकाल लेते हैं। अब इसमें 1 कप समा के चावल डालकर 3 से 4 मिनट तक रोस्ट करेंगे। लगातार चलाते हुए रोस्ट करेंगे। समा के चावल रोस्ट हो गए हैं, निकाल लेते हैं। गैस की फ्लेम हाई पर करेंगे। अब 3 कप पानी, 1 कप गुड़, 1/2 कप कच्चा कद्दूकस किया नारियल, 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर और चुटकी भर नमक डालेंगे। पानी को बॉईल करेंगे। पानी बॉईल हो गया है और गुड़ भी मेल्ट हो गया है। गैस की फ्लेम लो करेंगे। इसमें रोस्टेड समा के चावल ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। उसकी गुठलियां नहीं बननी चाहिए। समा के चावल मिक्स हो गए हैं, लीड लगाकर पकाएंगे। पानी थोड़ा कम हुआ है, मिश्रण को चला लेंगे। लीड लगाकर और 2 मिनट तक पकाएंगे। 2 मिनट हो गए हैं, मिश्रण को चला लेंगे। लीड लगाकर और 2 मिनट तक पकाएंगे। 2 मिनट हो गए हैं, चावल पक गए हैं। गैस बंद करेंगे। प्लेट में घी लगा लिया है, इसमें मिश्रण निकाल लेंगे। एक समान फैला देंगे। कच्चा कद्दूकस किया नारियल डालेंगे। फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स के टुकड़े डालेंगे। प्रेस करेंगे। इससे नारियल और ड्राई फ्रूट्स मिश्रण से अच्छे से चिपक जाएंगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिश्रण को ठंडा होने दें। मिश्रण ठंडा हो गया है, बर्फी कट करेंगे। समा के चावल की बर्फी रेडी है।